लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम कहानी किसे ये कहीं चढ़ाओगी उतार की लुटी जहाँ पे बेवजह पालकी बहार की पालकी बहार की वो हम न थे वो तुम न थे दो बदन प्यार की आग में जल गए दो बदन प्यार की आग में जल गए एक चमेली के मुंडवे तले एक चमेली के मुंडवे तले रफी साहब जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। इतने अच्छे इंसान कि उनकी अगर तारीफ करो तो ऐसा लगता है कि खामा खा के खुशामद की जा रही है, क्योंकि वो हमसे बड़े क्लोज थे। इतने अच्छे थे कि मैं अपनी फिल्म बना रहा था, उसका गाना गाने के बाद उनके सेक्रेटरी थे, उनके सारे साहब, उनको पैसा दिया तो उसको छीन लिए पैसे और कहने लगे कि तुम शेखर साहब से पैसे ले रहे हो। अरे मैंने कहा क्यों भाई, कारोबार है? उन्हें तो नहीं नहीं, मैंने बहुत की तो उन्होंने मुश्किल से आधे पैसे लिए। कहने के नहीं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जब मेरी लड़की की शादी थी 1970 में यहीं घर पे हमारे, तो वहाँ पर चांदी के कुछ बर्तन लेके बारात को रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे रफ़ी साहब। हाँ, और एक दिन मैं वहाँ का कहीं खड़ा था रिकॉर्डिंग थिएटर पे, तो उनके साले साहब आए मेरे पास, भाई हम वहाँ लंदन में पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, अरे यार शेखर साहब वो अपने ओपन गाड़ी में अपना वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं उनके लिए एक शर्ट खरीद के ले आए। वो शर्ट आज तक मेरे पास रखी हुई है, मैं उस शर्ट को अब नहीं पहन सकता क्योंकि हाथ व्यात मेरे पतले हो चुके हैं। तो इस तरह उनमें क्या कहें क्या उनके बारे में, हाँ कुछ भी। और उनके उतार चढ़ाव उनके लाइफ में काफ़ी आए, ये नहीं है कि स्ट्रेट गए हो, हाँ लेकिन जल्दी गए वो, इतना मैं आपको बताऊँ। ऐसे इंसान को ज़रा लंबा जीना चाहिए, ऐसा जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब तो सनम